किसान आंदोलन में फूट की खबरों के बीच बुधवार को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की होने वाली बड़ी बैठक रद्द हो चुकी है। इस बैठक में किसानों की घर वापसी और एमएसपी कमेटी के गठन के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। जानकारी के मुताबिक किसान संगठनों के बीच फूट पड़ गई है। वहीं पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में हो चुके हैं। वहीं कई किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत कई अन्य मांगों को लेकर धरना जारी रखना चाहते हैं। साथ ही वापसी के पक्ष वाले आम सहमति बनाने की कवायद भी कर रहे हैं। वहीं रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए आज किसान संगठन अहम बैठक भी करने जा रहा है जो अब रद्द हो चुकी है। हालांकि अब आपको बता दें कि किसानों की अहम बैठक जो है वो 4 दिसंबर को होगी। ऐसे में लगातार किसानों में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कुछ किसान हैं जो पंजाब के किसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, सरकार ने 3 कृषि कानून बिल वापसी ले लिए हैं, तो अब हम अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो राकेश टिकैत ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये महज एक अफवाह है, कोई अपने घर नहीं जाएगा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से किसान संगठनों में विभाजन और बैठक रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में किसान संगठनों में विभाजन और बैठक रद्द हो चुकी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि किसान वर्सेस किसान संगठन में अंदरूनी घमासान भी किसानों में देखने को मिल रहा है। क्या किसानों की होगी घर वापसी, यह अभी तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बिल वापसी हो गई, किसानों की घर वापसी नहीं हुई। और ऐसे में आपसी फूट से घबराए टिकैत साहब तो आप घबराए हुए नजर आ रहे हैं। और अलग अलग होगी संगठनों की राह, वो दिख रहा है क्योंकि लगातार कुछ किसान कुछ कहते नजर आ रहे हैं तो दूसरे संगठन कुछ और। वहीं होगी घर वापसी या जारी रहेगा आंदोलन, ये सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बना हुआ है। तो ऐसे में लगातार ये सवाल इसलिए बना हुआ है कि किसानों की घर वापसी होगी या आगे क्या होगा, वो इसलिए क्योंकि पहले किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि किसान अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे जब सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। लेकिन अब 3 कृषि कानून रद्द भी हो चुके हैं, संसद में भी इसको पेश कर बिल को रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद भी किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। चलिए किसान नेता पवन खटाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी सीधा सवाल मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अब किसानों की घर वापसी आखिर होगी कब? जिस दिन एमएसपी पर कानून बन जाएगा, जो मुकदमे हैं वो मुकदमे वापस हो जाएंगे। 700 से ज्यादा किसान परिवारों ने जिन्होंने शहादत दी है, उन परिवारों की जीविका के लिए सरकार कोई अपनी तरफ से प्रोत्साहित करके उन्हें फाइनल करेगी। और जिन किसानों के ट्रैक्टर वगैरह यहाँ दिल्ली में आज भी बंद पड़े हैं, जो टूट गए हैं, जो बेकार हैं, उनके लिए सरकार का क्या रुझान होगा, तथा सरकार के साथ बैठ करके एक वार्ता हो जाएगी जिससे कि एक पटल मिल जाएगा आगे आने वाले समय में। लेकिन पवन जी, बात करेंगे पवन जी, लेकिन अब तो किसान संगठनों में ही फूट पड़ती नजर आ रही, क्योंकि पंजाब के किसानों की तरफ की बात की जाए वो तो घर वापस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ राकेश टिकैत कहती हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये कोई तरीका ऐसा है जिससे कि किसी के झूठ बोलने पर कोई मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है? ये कोई तरीका है आपका? सब लोगों ने, मीडिया वालों ने ये कह दिया फूट पड़ गया, नहीं पड़ी वो फूट तो क्या आप टीवी चैनलों को बंद कर देंगे? पवन जी ये किसानों की तरफ से कहा गया है तभी हम आपको आपके सामने ये बयान। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, सबने ये कहा है कि जो कानून वापस हुए हैं उनका स्वागत है, प्रधानमंत्री जी ने एक काम अच्छा किया है, धन्यवाद है, लेकिन एमएसपी पर कानून, हमारे साथ मीटिंग वार्ता, उसके बाद में मुकदमे वापिस, और जिनकी शहादत हुई है उनके लिए शहादतता पर सरकार का क्या रुख रहेगा, इन चीजों को लेकर के कहा है सबने। सब चाहते हैं हम अपना घर जाएं, हम भी चाहते हैं, मेरा भी इंडिविजुअल रुख है कि मैं भी अपने घर जाऊं, मैं कहां तक पड़ा रहूंगा वहां पर। लेकिन जब तक ये मामले सॉर्ट आउट नहीं होंगे, संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा वो फाइनल होगा। संयुक्त मोर्चा ही हमारा मंच है और संयुक्त मोर्चा ही हमारे पंच है।
तो ये कब तक तय हो जाएगा पवन जी, कब तक मान लिया जाए कि आप देखिए 4 दिसंबर को भी एक बैठक होने वाली है किसानों की, आज जो बैठक होनी थी वो रद्द हो गई है, 4 दिसंबर को होगी, क्या उसमें तय हो जाएंगी सब बातें? हाँ, ये तो आपसी वार्ता तो हम करेंगे करेंगे। हमने एक चिट्ठी दी थी सरकार को, सरकार को चिट्ठी देने पर ये क्लियर किया था कि भाई हम ये हमारी ये 6 मांग है, इन 6 मांगों पर सरकार अपना रुख क्लियर करे, मेज पे बैठ करके बातचीत हो। सरकार चाहती है कि अब फैसला हो जाए, हम भी चाहते हैं फैसला हो जाए, लेकिन कुछ टीवी चैनलों वालों का पेट का दर्द खत्म नहीं हो रहा है। हो सकता है उनकी दुकानदारी बंद होने जा रही हो, वो बार बार वो नहीं होने देना चाहते, इसको पता नहीं क्यों नहीं होना देना चाहते, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार ने रुख कर दिया क्लियर, अगली प्रक्रिया चल रही है, आप कब जाओगे जी? अरे जब चले जाएंगे, जिस दिन फाइनल हो जाएगा, बैठ के वार्ता हो जाएंगी, सब चले जाएंगे। क्या ऐसे ही हो जाएगा कि जो आपसी मनभेद है वो मनभेद ही रहेंगे क्या? आपस में बैठेंगे, तो बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, खत्म हो जाएगा। आपकी बातचीत हो जाती है और बात बन जाती है, आप घर वापस चले जाएंगे? हाँ, जब बात बन जाती है और कौन रुकना चाहेगा यहाँ पर? जिस दिन सरकार से बातचीत हो जाएगी, सरकार हमें संतुष्ट कर देगी, हम अपने घर चले जाएंगे। सरकार संतुष्ट तो करे बैठा करके, हमें ये क्लियर तो पता चलेगा हमें किससे बात करनी होगी, कौन सा वो पटल होगा जिससे बात करनी होगी। हम आज चले जाएंगे, कल फिर वापस आएंगे, बताइए जी। ठीक है, चलिए ठीक है पवन जी, उम्मीद करते हैं कि सरकार से आपकी बातचीत हो जाए और जो बातें हैं सरकार के सामने आप रख पाएं और अपने अपने घर वापस चल जाएं। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।